हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक है कौन किसके दरबार में आया या कौन किसके दरबार में रहता था। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, इसलिए ये टॉपिक मैं आज आपको एक ट्रिक से याद कराऊंगा जिसे आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपके फायदे की होगी तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखना, और जो नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी। तो हमें इसे कैसे याद रखना है? यहाँ पर हमारा है चंद्र यानी कि चांद, और यहाँ पर है निकेटर यानी कि निकट। यहाँ पे हमें इन दो चीजों को रिलेट करना है। चांद निकट नहीं है, चांद बहुत दूर होता है। ठीक है, चांद बहुत निकट नहीं है, निकट नहीं है। ठीक है, ये आप थोड़ा ऐसे रिलेट कर लेना, चांद निकट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कनिष्क। कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे? ठीक है, इसको हमें कैसे याद रखना है ट्रिक से? इसमें इसको आप कनिष्का कर लो। कनिष्का कोई लड़की है, कनिष्का, उसको नाग ने काट लिया है। कनिष्का को नाग ने काट लिया है। कहाँ पे काटा है? पाँव में। पाँव में, ठीक है, पाँव में काट लिया है नाग ने। और उसके जो फ्रेंड थी, उसकी जो मित्र थी, वो उसको छोड़ के चली गई है, और अब उसको चक्कर आ रहे हैं, और साथ में उसको होश भी नहीं है। ठीक है, चक्कर आके वो बेहोश हो गई, यानी कि उसको होश नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे याद करना है। कनिष्का जो है वो उसको नाग ने काट लिया है उसके पाँव में, यानी कि पार्श्व, और नाग ने यानी कि नागार्जुन, और पाँव में पार्श्व। ठीक है, और वसुमित्र, वसुमित्र यानी कि उसका मित्र, जो उसकी फ्रेंड थी, जो उसकी मित्र थी, वो उसे छोड़ के भाग गई है। और चरक, इसे हम कैसे, जब सांप काट लेता है तो आदमी को चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, चरक यानी कि चक्कर। ठीक है, उससे आप रिलेट कर लेना। और उसको जब सांप काट लेता है तो आदमी को होश नहीं रहता है, जब वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, यानी कि अश्व घोष, होश। ऐसे आप इन चीजों को याद कर सकते हो आसानी से। ये है कनिष्क यानी कि कनिष्का, ऐसे थोड़ा रिलेट करके याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हरिसेन। हरिसेन किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के। तो हमें इसे कैसे याद करना है? यहाँ पे पकड़ना है हमें हरि यानी कि हरा। हरा, आपने देखा होगा कि समुद्र का पानी, कोई कोई समुद्र का पानी नीला होता है तो किसी किसी का हरा भी होता है। तो आपको याद रखना है कि हरा क्या होता है? समुद्र का पानी, यानी कि समुद्रगुप्त और हरि सेन। हरि सेन किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के। ठीक है, इसको आप आसानी से याद कर लोगे, इसे आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है मेघस्थनीज। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि मेघस्थनीज किसके दरबार में थे। ठीक है, आपको उसको कैसे याद रखना है? चंद्रगुप्त यानी कि इसको भी आप चांद, चांद से रिलेट करना है। चांद, चांद, और यहाँ पे करना है मेघा स्थान। मेघा बोलते हैं बहुत बड़ा, और स्थान चांद, चांद पे बहुत बड़ा स्थान है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, चांद, एक चांद पर बहुत बड़ा स्थान है, ऐसे करके मेघा स्थान, यानी कि बहुत बड़ा स्थान है चांद पर, बहुत ज्यादा जगह है। ठीक है, ऐसे करके। तो मेघस्थनीज किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, आप ऐसे याद रख लोगे लंबे समय तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कालिदास। ये किसके थे? चंद्रगुप्त जी के। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखोगे? जब चांद निकलता है तो जितना भी काला अंधेरा होता है वो सब दूर हो जाता है, यानी कि काला, काली, काला, जितना भी काला होता है वो सब दूर हो जाता है और एक रोशनी निकल आती है। ठीक है, ये आप ये ऐसे रिलेट करना कि जब चांद आता है तो सारा कालापन दूर हो जाता है और एक रोशनी आ जाती है। ठीक है, ऐसे आप याद करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फाइयान। फाइयान का किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये चंद्रगुप्त टू भी बोल सकते हैं। इसको आपको कैसे याद रखना है? यहां से आप चंद्र पकड़ो और यहां से यान, और चंद्रयान करंट का टॉपिक है, इसको आप लंबे समय तक याद रख पाओगे, यानी कि चंद्र यान। फाइयान
फाहियान किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो आप इन शुरू के स्टार्टिंग इसके चंद्र के स्टार्टिंग के दो वर्ड पकड़ना और फाहियान के लास्ट के दो, तो चंद्र यान, ऐसे आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके समय काल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर आपको क्या करना है, तूता यानी कि जूता, इसको आपको बनाना है जूता, और जूता बिन जूते के, यहाँ पे से बिन जूता और यहाँ लिख लो लख। अब इसको रिलेट करना है, कोई लड़का है वो अपना इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उसका फ्रेंड बोल रहा है जूते के बिन मत जाना वरना तेरा लक खराब जाएगा, तेरे को जॉब नहीं मिलेगी। यानी कि जूते के बिना मत जाना वरना तेरा लक खराब जाएगा और तुझे जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है? ऐसे आप याद करना, यानी कि इब्न बतूता यानी कि जूता, मोहम्मद बिन तुग लक यानी कि बिन लक, ठीक है? ये आप ऐसे रिलेट करके याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त और धन्वंतरी। अब इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पर देखो चंद्रगुप्त और यहाँ है ब्रह्मगुप्त, इसको तो आप आसानी से रिलेट करके याद कर लोगे, ब्रह्मगुप्त और चंद्रगुप्त, और दूसरे हमारे हैं ब्राह्मीर और धन्वंतरी। अब इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पर हमें पकड़ना है गुप्त, गुप्त, ठीक है? गुप्त तरीके से आजकल लोग धन कमा रहे हैं, नंबर दो से बहुत लोग धन कमा रहे हैं, तो उसी चीज को आपको यहाँ पर रिलेट करना है, गुप्त गुप्त तरीके से क्या धन कमा रहे हैं और लोग उससे उस धन कमाने में बहुत माहिर है, मिहिर यानी कि माहिर है, नंबर दो को पैसे को कमाने से गुप्त तरीके से पैसे कमाने में आदमी बहुत माहिर है, ये आ गया धन और यहाँ पर है माहिर, ठीक है? यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन थे? ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त और धन्वंतरी। ये आप याद कर लेना, एक दो बार वीडियो को देखोगे ना तो वीडियो आसानी से याद हो जाएगी और काफी लंबे समय तक आप इस ट्रिक से याद रख पाओगे। फ्रेंड्स एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, जो नए है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है बाण भट्ट और हेनशांग। बाण भट्ट और हेनशांग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के, ठीक है? अब हमें कैसे याद रखना है इसको, बाण भट्ट, हमें जब आदमी बाण चलाता है यानी कि बाण से किसी पे प्रहार करता है तो उसका क्या हो जाता है, वध, यानी कि वो मर जाता है, ठीक है? ऐसे आपको याद करना है, बाण से जब किसी को मारते हैं तो उसका वध हो जाता है, ये हो गया। अब देखते हैं हेनशांग को, जब आदमी बहुत खुश होता है यानी कि हर्ष होता है, बहुत खुश होता है, तो वो मन ही मन बहुत सॉन्ग गाता है यानी कि गाने गाता रहता है, वो मन ही मन खुश होता रहता है और साथ ही सॉन्ग गाता रहता है यानी कि सांग हर्ष। तो ऐसे ही हेनशांग किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के, और बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे, ठीक है? ऐसे आप इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी, ये किसके दरबार में थे? महमूद गजनी के। फ्रेंड्स ये सारे नाम, ये तीनों नाम अजीब से नाम है, आप खुद देख लो, अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी, ठीक है? इसको आप हमेशा, ये सबसे अलग ही मिलेंगे, ठीक है? इनको आपको आप खुद से ही याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब महमूद गजनी के दरबार में थे, इनको आपको खुद से ही याद रखना होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है अमीर खुसरो और अमीर हसन। यहाँ पे सिर्फ हमें अमीर को पकड़ना है, अमीर जिसके पास बल होता है वो पैसा कमा लेता है और अमीर बन जाता है, बल जिसके पास बल होता है वो बल से पैसा कमा लेता है और अमीर हो जाता है, बलबन। यानी कि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में थे? बलबन के, ठीक है? यहाँ पे हमें बल को पकड़ना है, यहाँ पर हमें अमीर को, ठीक है? ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट है तानसेन, अब्दुल समद, दशवंत और बसावन। आप सभी को पता है अकबर बहुत महान सम्राट रहे हुए हैं, तो हम उसी ट्रिक को यहाँ पर देखते हैं। तानसेन, ये सभी को पता है कि तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर जी के, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पे अब्दुल समद, ये अब्दुर है, अब्दुल समद, ठीक है? समद अकबर के साथ एक बीरबल जी रहते थे,
आप सभी को पता होगा। और वे क्या थे? बहुत समझदार, यानी कि समझदार। अकबर के साथ कौन रहते थे? बिरबल, जो बहुत समझदार थे, यानी कि अब्दुल समद। तो ऐसे ही एक दूसरे से नाम रिलेट करके ये आप काफी लंबे समय तक याद कर लोगे। ठीक है, ये देखते हैं दसवंत। दसवंत को हमें कैसे याद रखना है? जो अकबर थे वो बहुत महान सम्राट थे, ठीक है, और उनका नाम जो है वो दसों दिशाओं में गूंजता था या चलता था। ठीक है, दसों दिशाओं में उनका नाम चलता था। और बसावन यानी कि हर इंसान के, हर उनके राज्य में जो भी उनकी प्रजा थी, उनके दिल में कौन बसे हुए थे? अकबर। ठीक है, क्योंकि अकबर एक महान सम्राट थे और एक नेक दिल वाले इंसान थे, तो उनकी प्रजा के दिल में कौन बसा हुआ था? अकबर, उनके सम्राट। ठीक है, तानसेन, अब्दुल समद, दसवंत और बसावन किसके दरबार में थे? अकबर के। ये आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हॉकिंस, सर टॉमस रो और विलियम फिच। ये याद रखना, जितने भी अंग्रेज आए थे, ये तीन अंग्रेज हैं, हॉकिंस, सर टॉमस रो और विलियम फिच, ये किसके में आए थे? जहांगीर के में। ठीक है, ये आप याद रखना। जहांगीर के दरबार में जितने भी अंग्रेज आए थे, वो सभी जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बाराबोसा। बाराबोसा किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के। ये आप आसानी से याद रख लोगे, खुद ही एक सिंगल है ये, तुम आसानी से याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान जी के। आपको यहाँ पे कैसे याद रखना है? यहाँ पे पकड़ना है आपको चांद और दाई, यहाँ पर आपको पकड़ना है पृथ्वी। जो चांद की, ये आपको कैसे याद रखना है? जो चांद है वो दाई ओर है पृथ्वी के, चांद जो है वो दाई ओर है पृथ्वी के, यानी कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ऐसे आप याद रख लेना। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।